कि आपको इंजन दिखा दूं। ये देखियो भाई बहुत हैवी, और देखिए इसका हैंड ब्रेक कहाँ पे भाई, यहाँ पर नीचे से शो करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको सस्पेंशन या कमानी वगैरह, कमानी सेटअप के साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस हमारे सामने जो व्हीकल खड़ा है ये रशियन आर्मी व्हीकल है, 1953 का विंटेज व्हीकल है भाई। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ भाई। ये रशिया में बनता था और 1953 से 1972 तक ये बना है, उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। जो फैक्ट्री इसको बनाती थी उसका भी नाम मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी बात मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये फोर व्हील ड्राइव आता है और जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में खड़ा है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है। और जो गेयरबॉक्स है ना इसमें, सिर्फ 3 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स आपको इसमें मिलता है। और इसको लाइट आर्मी ट्रक बोलते थे, मतलब बिल्ड क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना भाई, ये भाई जिप्सी जीप जीप विलीज जो आती है ना उनकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ख़तरनाक होती है, लेकिन ये बहुत हार्ड बिल्ट है। इतना हार्ड बिल्ट होने के बावजूद इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है ना भाई, सिर्फ 1535 केजी है। मतलब क्या मैकेनिज्म इन लोगों ने यूज़ करा होगा इसको बनाने में कि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद सिर्फ 1535 केजी। क्योंकि और लाइट वेट बनाने का रीज़न ये था कि आर्मी इसको यूज़ करती थी, और फोर व्हील ड्राइव व्हीकल है तो ईजिली कहीं पर भी चला जाए, कहीं से भी आ जाए। ओरिजिनल ये देखिए इसमें सैंड ग्रिप के टायर्स लगे हुए हैं, कितने ह्यूज और कितने ज़बरदस्त टायर हैं ये। और हाँ, ये पेट्रोल इंजन आता है, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन इसमें आता है 2120 cc का, जो समथिंग 52 HP की पावर देता है और 124.6 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने तो ही आपको बता रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और ये जो आता है इसकी जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, यहाँ से भराता है मैं इसको खोल के, खुल तो नहीं रहा है ये, 48 लीटर की टैंक कैपेसिटी है और रिजर्व फ्यूल 27 लीटर का है इसका। और आप देख सकते हैं कितना ह्यूज और कितना बेहतरीन बिल्ड है ये। इसमें डीजल भी आते थे लेकिन अपने सामने जो पेट्रोल खड़ा हुआ, और इसके जितने भी मॉडल्स इस टाइप के बनते थे आर्मी ट्रक्स रशिया में तो वो सब इसी नाम से आते थे, मोटर GSZ-69 के नाम से ही आते थे। गोर्की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है रशिया में, जो 1953 से 1956 तक इसका प्रोडक्शन उसने किया। उसके बाद एक USZ करके, वो भी रशिया में ही है, फिर उस फैक्ट्री ने इसको प्रोडक्शन किया 1972 तक इसका प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे। और पूरी जो इसकी लेंथ है ना वो 3820 mm की है, और विड्थ जो है ना 1750 mm की है, और जो हाइट है 1950 mm की। पूरी डिटेल निकाल के आया हूँ भाई इस गाड़ी की। और जैसा कि स्पीड में आपको इसकी बताई चुका हूँ, 90 km/h की स्पीड है। बहुत हाई स्पीड इसलिए नहीं रखते थे इसकी क्योंकि मिलिट्री इसको यूज़ करती थी, रशियन आर्मी, तो कम स्पीड में जंगल वगैरह में यूज़ हो जाए। बहुत पावरफुल आती है भाई ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एक बार पॉसिबल होता तो मैं इंजन खोल के आपको इसका दिखाता हूँ। अरे यार ये कहाँ से खुलेगा, खुलेगा खुलेगा। बड़ा हार्ड दिया हुआ है, थोड़ा सा मेरा हाथ में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको इंजन दिखा दूँ। ये देखियो भाई बहुत हैवी वेट है ये, साला समझ में नहीं आ रहा यार इतना वो होने के बाद। जो हिस्ट्री मैंने निकाली उसमें वेट खाली 1535 kg, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा खासा हैवी है। ये देखिए इस टाइप का इंजन है, ये गैसोलीन इंजन है जैसा कि बताया मैंने, पेट्रोल इंजन 2120 cc का। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पुराना है अभी तो पूरा रिस्टोर होगा। ये रेडिएटर वगैरह लगा हुआ है इसका, मतलब कूलेंट भी डलता है इसमें। इस टाइप का इंजन मैकेनिज्म पूरा दे रखा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं। मैं अभी अंदर से तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको इसमें। बंद कर देते हैं भाई इसको। मतलब भाई ये जो रगेड फीलिंग होती है ना इसको बंद बंद करने की, ये बड़ी जबरदस्त होती है। मतलब टोटल है ना उसी टाइम का है, अभी इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, एज इट इज रखा हुआ है। ये बड़ी सी ह्यूज लाइट, फ्रंट से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए इसका फ्रंट लुक आप खुद समझ जाएंगे, टो वगैरह करनी हो या किसी की गाड़ी खींचना हो तो उस टाइप का एरिया। ये वाली लाइट देखिए इसकी फ्रंट की, ये छोटी सी लाइट भी यहाँ दे रखी है। और इसका हॉर्न मैं बजा के आपको नहीं दिखा सकता, भाई चले गए की लेके, लेकिन इतना ज़बरदस्त हॉर्न बज रहा है। इन्होंने बैटरी वैटरी का कुछ करा है इसमें अभी, ये एयर पासिंग के लिए इसमें जगह दे रखी है यहाँ पे। एक बार पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे पीछे हिच दे रखा है इसमें, ये रिफ्लेक्टर्स लगे हैं पीछे। कोई लाइट वगैरह नहीं है इसमें, लाइट का इतना ज़्यादा सेटअप नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ही दी हुई है लाइट। और अंदर से दिखाऊं तो अभी तो सब भंगार पड़ा हुआ है पुराना, ये सीट उसी टाइम की लगी हुई है। एक बार अंदर बैठ के देखते हैं इसके।
ये अच्छा दे रखा है, यहाँ से पकड़ के आप हैंडल दे रखा होगा, ये हट गया है। आए ये पोजीशन देखिए बैठने के बाद, ये स्टीयरिंग थ्री स्पोक स्टीयरिंग, ये रगेड फीलिंग आएगी भाई जब मॉडिफाई होगी ना, बहुत ज़बरदस्त लगेगी, मज़ा आएगा इसको देखने में। इस टाइप का इसमें ये मीटर कंसोल वगैरह जो भी दे रखा है, टेम्परेचर, फ्यूल, एनालॉग मीटर, ये सब इसमें, ये क्या है। और यहाँ तो कुछ समझ में आएगा नहीं अभी, पार्किंग हो सकता है, पार्किंग वगैरह दे रखी हो, या हेडलाइट के स्विचेस वगैरह दे रखे हैं इसमें। और ये यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है क्या उस टाइम से हा? और यहाँ आप जाएंगे तो ये कुछ, ये ग्लो बॉक्स टाइप जो होता है ना वो दे रखा है। यहाँ से आप इसको जलाएंगे तो इसमें लाइट जलती है, अभी है नहीं तो मतलब अभी जलेगी नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये लाइट दे रखी है, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह कुछ सामान वगैरह ये लोग रखते होंगे। और देखिए इसका हैंड ब्रेक कहाँ पे भाई, यहाँ पे, यहाँ से उठाना पड़ेगा पूरा हैंड ब्रेक आपको। ये इसका हैंड ब्रेक दे रखा है, ये फोर व्हील ड्राइव का इसका सिस्टम, और ये उसी टाइम का IRVM इसमें लगा हुआ है अभी तक। भाई से मैंने पूछा था जिनकी ये है वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं, तो ये ओरिजिनल है सब चीज़। और ये क्या लगा हुआ भाई, ये एक बार फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको क्या लगा हुआ है। अच्छा सेटिंग में एक चीज़ है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में फ्रंट से, ये अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था ये भाई मुझे भी नहीं पता क्या है, इतनी डिटेलिंग तो नहीं पता भाई। ग्लास कितना ज़बरदस्त है उसी टाइम का, हो सकता है बुलेट प्रूफ भी हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये कवर्ड थी, मतलब कुछ भाई बता रहे हैं हार्ड टॉप भी था, वो सब हमने निकला दिया है इसमें। एक बार नीचे से शो करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, सस्पेंशन या कमानी वगैरह, कमानी सेटअप के साथ आती है, देखो यहाँ पे कमानी वगैरह लगी हुई है इसमें, और सस्पेंशन ओरिजिनल उसी टाइम के लगे हुए हैं, दिख नहीं रहे यहाँ से, इधर से शो करने की कोशिश करता हूँ, पूरा दिखाऊँगा भले ही लेटना पड़े नीचे। ये देखिए ये इसका एग्जॉस्ट, पीछे लाइट की बात कर रहा था, सिर्फ ये एक लाइट दी है और कोई सी लाइट नहीं है। ये देखिए नीचे से इसका सेटअप, आगे से एक बार सस्पेंशन देखते हैं, हो सकता है वहां से दिख जाए, यहां से तो विजिबल हो नहीं पा रहे हैं। भाई इसमें तो सस्पेंशन आते भी है कि नहीं, शायद दे रखे हैं छोटे से, वो दिख गए आपको। तो भाई जितनी डिटेल्स थी मैंने आपको बताई, इस टाइप के विंटेज व्हीकल्स जो होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली जितनी डिटेल्स मुझे मिली मैंने आपको बता दी, बहुत हार्डली मिली है क्योंकि इसमें कुछ नेम प्लेट मतलब ये कुछ ऐसा दे नहीं रखा है ब्रांड नेम, जैसे आप रियर में देखिए रियर में भी नहीं दे रखा है, फ्रंट में मैं दिखाता हूँ आपको, फ्रंट में भी यहाँ पे कुछ ब्रांड नेम वगैरह नहीं शो कर रखा है। तो इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये कुछ रखने के लिए दे रखा है, ताला वाला लग जाता है वो अपने को आइडिया नहीं है। अच्छा उधर वाला गेट है ना, मतलब आधा है, मतलब छोटा सा, इधर वाला थोड़ा सा, ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये थोड़ा सा खुल गया, ये थोड़ा सा बड़ा है। अरे लग जा भैया, भैया चिल्लाएंगे नहीं तो, लग गया। ओवा तो भाई कुछ ऐसा है ये रशियन आर्मी लाइट ट्रक व्हीकल, जितनी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी, होप करता हूँ आपको ये बताई हुई डिटेल्स पसंद आई होगी। और जब मॉडिफाइड होगा तो पूरा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत लगने वाली है ये। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी मॉडिफाइड जीप्स, जिप्सी, जो भी विंटेज व्हीकल्स आए रेगुलरली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा गाइस।